तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले एक फैन जो कि गाइस आप लोग घर पर इजीली बना सकते हैं। और गाइस ये जो है फर्राड़ा फैन होने वाला है जो कि गाइस रखकर हम लोग जो है कहीं पर भी इसको चला सकते हैं किसी भी बैटरी की मदद से। अगर गाइस आप लोग के गांव में अगर इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है तो गाइस आप लोग इसको बैटरी की मदद से आराम से चला सकते हैं। तो गाइस इसको कैसे बनाया गया चलिए जल्दी से जान लेते हैं और गाइस वीडियो कंप्लीट देखिए क्योंकि गाइस इसमें जो है गिव अवे रिजल्ट के बारे में आप लोग को लास्ट में बताया गया। तो गाइस आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पर एक जाल ले लिया जो कि गाइस थोड़ा पुराना है, तो गाइस थोड़ा पुराना चलेगा। और आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो इसमें एक सॉकेट भी लगी हुई है जिसमें गाइस हम लोग अपनी जो डीसी मोटर है उसको फिक्स कर सकते हैं। तो आप सब लोग को ये जो है इलेक्ट्रॉन की दुकान पर इजीली मिल जाएगा, आप लोग जो है उनसे मांग लीजिएगा। और आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक मोटर का मैं यूज़ करने वाला हूँ जो कि गाइस 555 डीसी मोटर है। तो गाइस अभी हम लोग जो इसको इसके अंदर फिक्स करने वाले हैं। तो आप लोग उस जाल को थोड़ा पुराना ही लीजिएगा जो कि गाइस आप लोग को सस्ता मिल जाएगा। अगर ये आप लोग नया लेंगे तो आप लोग को थोड़ा महंगा मिलेगा। और आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो अभी इसमें हम लोग इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे और जो इसके बोल्ट होते हैं उसकी मदद से हम लोग जो इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। तो इनको जो है अभी मैंने यहाँ पर जो पीवीसी की जो सीट होती है उससे यहाँ पर जो इसके दो वाशर बना लिए क्योंकि गाइस जो हमारे स्क्रू हैं उनका जो ऊपर का हेड है वो थोड़ा छोटा है। तो गाइस उसके जो है जो यहाँ पर होल है उसमें एल्युमिनियम की जो सामने प्लेट लगी हुई है उसमें से निकल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर जो कुछ इस प्रकार के यहाँ पर जो है पीसेस कट करके उनमें होल कर लिया था और अभी जो इनको अच्छे से टाइट कर लिया है मैंने। और आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो ये अच्छे से फिक्स हो गया है, अब ये जो है बिल्कुल भी नहीं खींचने वाला है। तो आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो गाइस वीडियो कंप्लीट देखिए जिससे गाइस मैं आप लोग को अच्छे से अच्छी नॉलेज दे सकूं। तो आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो इसमें थोड़ी सी जगह है तो गाइस हम लोग जो इसमें 775 डीसी मोटर का यूज़ कर सकते हैं। और गाइस मैंने अभी जो इसमें यही मोटर लगाई है। और आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैंने इसका स्टैंड ले लिया है। अगर गाइस आप लोग को ये नहीं मिलता है तो थोड़ी मोटी सीट ले लीजिएगा जो कि पीवीसी की सीट होती है, उससे आप लोग जो इसको सर्कल में काट कर इसका जो है बेस बना सकते हैं। और गाइस ये जो है ये मैंने पाइप यहाँ पर जो है लिया है इसमें। अगर गाइस आप लोग को ये भी नहीं मिलता है तो गाइस आप लोग इसकी जगह जो नल फिटिंग में यूज़ होता है एक इंची वाला पाइप उसका गाइस आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ये जो है दुकान पर ईजिली मिल गए थे तो गाइस मैं जो इनको लेकर आया हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये कुछ इस प्रकार हमारा स्टैंड बन गया। और आप लोग को भी जो कुछ इस प्रकार आप लोग अपनी क्रिएटिविटी से बना सकते हैं पीवीसी सीट से और इस पीवीसी पाइप से आप लोग जो इसको ईजिली बना लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार ये जो हमारा देखने में लग रहा है। और गाइस एक जो है मैंने पीवीसी सीट ली है ब्लैक कलर की और गाइस इसको मैंने जो है कुछ इस प्रकार यहाँ पर जो है मोड़ लिया है। और आप लोग देख सकते हैं इसमें यहाँ पर दोनों तरफ मैंने यहाँ पर होल कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो आप लोग कुछ इस प्रकार होल करने हैं जिससे गाइस ये जो है थोड़ी जो इसकी थिकनेस है वो थोड़ी कम है। तो गाइस इससे जो है हम लोग इस जो सीट है इसको अच्छे से मोड़ सकेंगे। तो गाइस हम लोग कुछ इस प्रकार इसको जो है मोटर को इसके ऊपर रखेंगे और गाइस इस तरह हम लोग जिसको अच्छे से कस देंगे जो नट वोल्ट होते हैं इसकी मदद से। तो मैंने यहाँ पर जो इसमें होल किया और इस वाले नट वोल्ट से मैं इसको अच्छे से फिक्स करने वाला हूँ। तो मैं जो यहाँ पर इस तरफ निकाल लेता हूँ और उसके बाद जो एक मैं यहाँ पर इसमें जो वाइसर है वो उसको डालने वाला हूँ जो कि इससे अच्छे से यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, नहीं तो गाइस इसका जो छोटा जो यहाँ पर नट है तो गाइस वो अच्छे से नहीं कस पाएगा और प्रॉब्लम होगी उसमें बार बार निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो इसमें वाइसर भी डाल दिया और अच्छे से इसको जो है टाइट कर देंगे। अब ये जो है वैसे भी कहीं नहीं जाएगा। और गाइस इसकी थोड़ी सी और सिक्योरिटी के लिए मैं जो यहाँ पर जो रिंग का तार होता है जो रिंग का वायर होता है उसको मैं जो यहाँ पर कट करके इसके जो है जाल से और गाइस जो पाइप है उससे अच्छे से टाइट कर दूंगा जिससे और मजबूती इसमें जो है बनी रहे। तो मैं जो यहाँ पर कुछ इस प्रकार इस जगह पर अच्छे से ये जो है वायर को टाइट कर दूंगा प्लायर की मदद से। तो आप लोग भी जो है कुछ इसी प्रकार कीजिएगा इसको, नहीं तो गाइस हमारा जो है जो मोटर है मोटर का जाल है वो गाइस अलग गिर जाएगा और गाइस हमारा जो फैन है वो नहीं चल पाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो वो आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ इस प्रकार हम लोगों ने इसको टाइट कर दिया है और उसके बाद जो है अभी ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, अच्छा वर्क कर रहा है। तो आप लोग इसको जो है कुछ इस प्रकार कर लीजिएगा। और गाइस उसके बाद आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक मैंने पेन ले ली है। तो गाइस पेन मैं क्यों ले रहा हूँ वो आप लोग को आगे बताऊंगा। तो गाइस आप लोग बने रहिए वीडियो एकदम कंप्लीट देखिएगा और गाइस गिव अवे के रिजल्ट के बारे में भी आप लोग को इस वीडियो के एंड में पता लग जाएगा। तो गाइस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर से देख लेना। तो आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसको अच्छे से मैं कट कर लेता हूँ और इसको जो कट करने के बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि आगे हम लोग को इसके साथ करना क्या है। तो आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका ये जो छोटा सा पीस मैंने कट कर लिया है और उसके बाद जो है अभी हम लोग इसमें जो यहाँ पर इसका जो होल है उसको गाइस हम लोग थोड़ा बड़ा करेंगे। इतनी मोटी हमारी जो है मोटर की साफ्ट है तो गाइस उसी प्रकार हम लोग जो इसको मोटा कर जो छेद है उसको बड़ा कर लेंगे और गाइस इजीली जो इसके साफ्ट फिक्स आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैंने इसका जो होल है उसको बड़ा कर लिया और गाइस से यहाँ पर इसके अंदर अच्छे से फिक्स कर दिया है। और अब ये जो है मैंने थोड़ा इसको जो है गर्म कर इसके अंदर डाला था तो गाइस ये जो है अच्छे से फिक्स हो गया और अच्छे से चिपक भी गया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो एक मैंने प्रोपेलर ले लिया है जिसको गाइस अभी हम लोग यहाँ पर इस फैन में अच्छे से कसने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसको मैं अच्छे से कस देता हूँ। जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है
से अच्छे से मैं टाइटली इसको ये कस दूंगा, नहीं तो गाइस अगर आप लोग जो इसको थोड़ा ढीला कसेंगे तो गाइस निकलने की प्रॉब्लम रहेगी। तो अभी जो इसको मैंने अच्छे से टाइट कर दिया है और अभी इसमें जो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और गाइस अभी यहाँ पर जो है आगे का जल बच रहा है तो गाइस उसको भी जल्दी से मैं यहाँ पर टाइट करने वाला हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। और गाइस हम लोग जो इसको रिंग के जो वायर है उसी से टाइट करने वाले हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार क्लिप्स बनाकर मैंने इसको जो अच्छे से यहाँ पर टाइट कर लिया। चारों ओर मैं जो इसके लगा दूंगा जिससे गाइस ये जो है जाल अच्छे से टाइट बना रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ इस प्रकार हमारा जो फैन है वो फाइनली देखने को मिल रहा है। और गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो कितना अच्छा ये जो है फैन लग रहा है। अगर गाइस आप लोग थोड़ा सा और अच्छा बनाएंगे तो गाइस आप लोग का और देखने में अच्छा लगेगा। तो अभी जो इसके वायर्स को मैं अच्छे से इसकी जो मोटर है उसमें फिक्स कर देता हूँ। और गाइस उसके बाद अभी हम लोग जिसको 12 वोल्ट प्रोड्यूस करेंगे जिससे गाइस ये जो है अच्छे से वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पर 1212 ट्रांसफार्मर से इसको जो है 12 वोल्ट प्रोड्यूस करने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये मैन इलेक्ट्रिसिटी है। तो गाइस मैं जो यहाँ पर इसमें लगा देता हूँ अच्छे से, ये गाइस मैंने मैन बोर्ड में लगा दिया। और गाइस उसके बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा जो है जो फैन है अच्छे से वर्क करने लगा है, ये जो अच्छे से हवा दे रहा है। तो अभी जो है मैं आप लोग को दिखा दूंगा कि गाइस ये जो किस प्रकार हवा दे रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार ये जो हमारा कितना अच्छा यहाँ पर हवा दे रहा है। और गाइस ये जो है काफ़ी दूर तक हवा देता है जैसे गाइस हमारा जो लाइट वाला फर्राटा होता है वैसा ही ये जो है एकदम अच्छे से हवा देता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अगर गाइस आप लोग इसकी जगह 775 डीसी मोटर का यूज़ करेंगे तो गाइस आप लोग का जो पंखा है ना भाई इतना गजब चलेगा, मैं यार आप लोगों को क्या ही बोलूँ। तो गाइस अगर 775 मोटर का यूज़ करेंगे तो गाइस बहुत ही अच्छे ये जो है वर्क करने वाला है। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि हमारा जो है जो फैन था वो कितना बढ़िया वर्क कर रहा था। तो गाइस आप लोग जो इसको घर पर इजीली बना सकते हैं बिना ज़्यादा किसी खर्चे के। तो गाइस आप लोग इसको जो है इजीली बना ही लीजिएगा क्योंकि इस गर्मी आ गई है और गांव में लाइट कट हो जाती है। तो गाइस कभी कभी हम लोग जो इसको बैटरी की मदद से आराम से चला सकते हैं। तो गाइस अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इस गिव अवे के रिजल्ट का क्या हो रहा है। तो गाइस आप लोग को जो है इसकी वीडियो 1 से 2 दिन के बीच में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। गाइस 1 से 2 दिन के बीच में नहीं मिली तो गाइस 2 से 3 दिन के बीच में मिल जाएगी, इससे ज़्यादा गैप हम लोग नहीं करेंगे। तो गाइस अगर आप लोग वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस हमारे जो है 2K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं तो गाइस आप लोगों को दिल से धन्यवाद। तो गाइस आज की वीडियो उतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गुड बाय।